हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 8 फ़ोन है, तो टेक्नो पॉप 8 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं अपने टेक्नो पॉप 8 फ़ोन में, और कैसे आप इस ऑप्शंस के ज़रिए नोटिफिकेशंस लाइट वगैरह को इनेबल कैसे कर सकते हैं, एंड आप कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस लाइट को फ्लैश नोटिफिकेशंस के ज़रिए। तो आज हम बताने वाले कि नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे करें एंड आप शो कैसे कर सकते हैं, तो बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन सब हो जाएंगे। सिंपली आपको जा रहे हैं फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे। तो फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाकर जो भी आपकी फ़ोन की नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप इनेबल कैसे करेंगे और इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको सेटिंग्स पे जाना है और जो भी आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशंस लाइट आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। फ्लैश फॉर कॉल्स को इनेबल करके आप यूज़ कर पाएंगे, और ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी फ्लैश फॉर कॉल्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं अपने टेक्नो पॉप 8 फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो